तो यार जैसे कि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर पूछा था कि भाई मेरे अगर शादीशुदा औरत किसी लड़के को चाहती है फिर किसी मर्द में इंटरेस्टेड होती है तो वो किस तरह का इशारे करती है, तो जी हाँ भाई मेरे आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। और जैसे कि आप लोग मुझे कमेंट करते हो ना कि सर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, तो भाई मैं आपको बात बता दूँ कि मैं आपके रिप्लाई पढ़ लेता हूँ, बट अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है अगर मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो भाई मेरे अगर आपको कोई पर्सनल कमेंट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और वहाँ पर जाकर आप मुझे अपने पर्सनल कमेंट कर सकते हो और उसके ऊपर वीडियो बनवा सकते हो मुझसे। इतने नहीं भाई मेरे अगर आपको आने में दिक्कत हो रही तो आप सर्च कर सकते हो कैलाश राय 104, आप सिंपली वहां से भी आ जाओगे। थैंक यू यार आपने मेरी इस पूरी बात को सही तरीके से सुना। अब बताता हूँ फ्रेंड आज की वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ मैं। अगर कोई औरत आपको लाइक कर रही होगी या फिर कहा जाए कोई औरत आपको प्यार कर रही होगी ना तो ये इशारे जरूर करेगी। अब वो फ्रेंड किस किस तरह के इशारे होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको कुछ इस तरह की बातें बताऊंगा जो के साथ होती भी होगी तो आप नोटिस नहीं करते होगे। जैसे कि मैं आपको नंबर वन पॉइंट समझाने वाला हूँ कि अगर कोई औरत या फिर कोई लड़की अगर आपसे शादीशुदा भी औरत है अगर आपसे घंटों बात करती है, इंटरेस्ट ले लेकर बात करती है, आपको हंस हंस कर रिप्लाई कर रही है, इतने ही नहीं अगर आप उससे कुछ भी चीज़ पूछते हो उसको बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करके बात कर रही है तो भाई मेरे वो आपको चाह रही है। देखो फ्रेंड नॉर्मली क्या होता है कि अगर वो किसी मर्द से बात कर रही है फिर किसी लड़कों से बात कर रही होती है लड़कियां तो हाँ 5 से 10 मिनट या ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं झेल पाती है लड़कियां, या ज़्यादा होगा 2 मिनट इससे ज़्यादा बात करके सब चलो ठीक है मैं बिजी हूँ या फिर मेरे को किसी काम है कुछ इस तरीके से बात टाल देती है। बट अगर ऐसा नहीं कर रही है वो आपसे घंटों बात कर रही है बेमतलब की ही बातें करी जा रही है, एक ही बात को 10 बार रिपीट करती है कि खाना खा लिया कैसे हो कहाँ गए थे ये वे वगैरह वगैरह कहीं की भी अगर वो बात उठा के डाल रही है तो भाई मेरे वो आपको चाहती है, तभी ना वो आपसे इतना टाइम स्पेंड कर रही है। बस ये चाहती है कि आपकी आवाज उसके कानों तक हमेशा पहुंचती रहे और आपके हाल समाचार कहीं ना कहीं से उसे पता चलती रहे। दूसरा सन है फ्रेंड जेलस और आपके ऊपर हक जताना। अब कुछ बंदे कहेंगे मुझे मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड बहुत से बंदे क्या करते हैं किसी रिलेटिव में रहते हैं फिर कहा जाए किसी पड़ोसन में रहते हैं एंड उसके बाद अगर वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं अब वो लड़की का नेचर वो औरत जानती है या फिर वो आंटी या भाभी जानती है, उसके बाद अगर वो आपको डांट रही है कि आप उससे क्यों बात कर रहे हो, उससे बात करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसी है वो वैसी है, अगर उसकी बुराइयां गिनाएं आपको इतने ने आपको बात बात पर डांटे प्यार से आपको समझाए हर एक चीज़, तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग खराब है, उसका मतलब ये है कि वो आपको और वो कभी ये नहीं चाहती कि आप कभी गलत संगत में जाओ या फिर कहा जाए उसको छोड़कर आप किसी और में इंटरेस्ट दिखाओ। उसके लिए फ्रेंड आपको चाहे हो सकता है वो प्यार से डांटे चाहे वो डांट के जिस तरीके से समझाना हो। अब फ्रेंड ये सिचुएशन ना किसी मर्द के साथ भी हो सकता है, अगर किसी से वो सजेशन करना पड़ता है तो अगर उससे कोई सडनली ऐसे करे पहले तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी तरीके से बात हो रही थी, आप बीच में वो नाराज हो जाए कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, अगर आप पूछते हो क्यों क्या हो गया ऐसा तो अगर आपको जताएगी वो कि तुम उससे क्यों बात कर रहे थे या फिर तुम्हें उससे क्या जरूरत है बात करने की, या फिर कहा जाए अगर आप किसी और से बात करो उसके बाद उसके स्वभाव में चेंज आए कि आप क्यों करते हो किसी से बात, अगर आपको नहीं बोल पा रही है तो सैड रहती है कि आप क्यों उससे बात करते हो, तो भाई मेरे मन ही मन वो आपको चाहती है और वो कभी ये नहीं चाहती कि आप किसी और के संगत में पड़ो, तो फ्रेंड ये भी साफ साफ इशारा जाहिर करता है कि वो आपको चाहता है। और एक बात बताऊं फ्रेंड कि ये सब सिर्फ साइकोलॉजी के सारे हैं भाई मेरे, आपको उस तरीके से समझने पड़ेंगे। अब देखो यार कुछ बंदे कहेंगे मेरे को कि भाई यार तू गलत सिखा रहा है मैं फिर गलत बता रहा है, तो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ फ्रेंड कि अगर किसी की लाइफ सही चल रही है तो उसके लाइफ में इंटरफेयर ना करो, पर अगर किसी के लाइफ में थोड़ी सी भी डिस्टर्ब लग रही है और आपको लगता है कि भाई उसके जगह मैं प्यार दे सकता हूँ उससे बेटर, तो फ्रेंड आप ये ट्राई कर सकते हो। तीसरी चीज आती है फ्रेंड आपकी केयर दिखाना। अब भाई देखो कुछ बंदे मुझे कहेंगे कि केयर दिखाने से क्या मतलब है भाई आपका, तो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल करके समझाता हूँ आपको उस तरीके से समझना है कि अगर कोई औरत को अगर आप ऐसा कहते हो या फिर कोई औरत आपसे पूछती है कोई लड़की पूछती है क्या तो 2 दिन से मैं तुम्हें देखी नहीं या फिर कहा जाए तुम कहाँ थे इस बीच में, और आप बोलोगे कि तबीयत खराब थी, तो अब अगर वो ऐसा कुछ कहती कि चलो ठीक है तबीयत खराब थी आप ठीक हो तो हाँ ठीक हूँ, अगर इतने बोल के बात खत्म कर देती है तो चलो ये तो खतरे समझ में आता है कि नहीं चाहती, पर लेकिन दूसरी ओर अगर आपको ये कहती कि तुम्हें तबीयत खराब हो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या तुम मुझे इतने भी अपना नहीं समझते, या फिर दवाई लिया नहीं लिया कौन से डॉक्टर से दिखाया ये वे फलाना ढिकाना कि तुम्हारी तबीयत खराब तो मेरे को बोल देते मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती दवाई के बारे में बता कर लेती, इतने नहीं मैं तुम्हें कुछ ऐसे डॉक्टर से लेकर पास जाती या फिर कहा जाए तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मुझे बताना चाहिए था डिस्कस तो करनी चाहिए थी यार मैं भी तुम्हारी कुछ हेल्प करती थी, अगर आपकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि तुम्हारा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग खराब है, इसका मतलब ये है कि वो आपको मनी मन चाहती है और वो ये नहीं चाहती कि कभी आपसे वो दूर होए, तो वो इस तरीके से आपको पर हक जताएगी आपको केयर दिखाएगी एंड इस तरीके से आपसे बातें करेगी। आज की वीडियो में फ्रेंड मात्र 3 ही इशारे, अगर आपको पार्ट 8 चाहिए तो मुझे कमेंट करिए यार, या फ्रेंड पार्ट 8 चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आओ भाई मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है आप वहाँ पर जाकर सिंपली क्लिक करके आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, वरना फ्रेंड आप सच भी कर सकते हो कैलाश राय 104 सिंपली वहाँ से भी आप आ सकते हो मेरे यार। वीडियो अगर देखने में अंत तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिएगा यार और सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना फ्रेंड, शेयर करना अपने दोस्तों ग्रुप में और कमेंट करना भाई अगर आपको मन में कुछ सवाल हो या समस्या हो मैं उसे पढ़ना चाहूँगा और उसके ऊपर रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, रिप्लाई ना दे सकूँ तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।